अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका दोहराई का लेक्चर है आपकी मंथली टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबक नंबर 13, 14, 15, 16 और 19 जो आपके मंथली टेस्ट में इंक्लूड है। पिछले लेक्चर में हमने नर्तबाने उर्दू के सफ़ात किए थे जो आपकी ग्रामर से रिलेट थे, और आज हम चैप्टर करेंगे। सबसे पहले आपने करना है सबक नंबर 13, सेहत और सफाई। इसके अल्फाज मायने और सवालों के जवाब वो आपको याद करने होंगे, और बाकी आपने सबक को गौर से देखना है। उसमें से जो अहम अहम बातें हैं वो आपको खाली जगह के तौर पे आ सकती हैं, जैसे कि सेहत और सफाई सबक में मिस सादिया के स्कूल में क्या मनाने का फैसला हुआ। जी, हफ्ता सफाई मनाने का फैसला हुआ। इसी तरह सेहतमंद जिस्म क्या रखता है, तो ये आपने सोचना है। जी, यकीनन आप जान गए होंगे, सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। इसी तरह मतवाजन गिजा से क्या मुराद है। जी, ये आपके सवाल में भी था कि मतवाजन गिजा ऐसी गिजा को कहते हैं जिसमें हयातीन सही मिकदार में शामिल हो, खाना ना ज़्यादा पक्का हुआ हो और ना ही बहुत कच्चा हो। इसी तरह कच्ची सब्जियों से मुराद कौन सी सब्जियां हैं। जी, वो हैं गाजर, मूली, चुकंदर, जिनको खाने से दांत मजबूत होते हैं, मेदे की सफाई होती है और हमारा जिगर भी ज़्यादा खून बनाता है। और दांतों की सफाई का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। जी, दांतों की सफाई का सबसे बेहतरीन तरीका मस्वाक है। इस तरह इसमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सफाई और पाकीज़गी किस चीज़ का हिस्सा है, तो वो आपने देखना है। जी, सफाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा सबक आपका 15। सबक नंबर 15 है आपके सामने इंसान और इसका माहौल। इसमें से भी इसी तरह से आपने मुश्किल अल्फाज के मायने देखने हैं और सवालात करने हैं, और फिर खाली जगह के तौर पे आपने मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है, जैसे इंसान सदियों से कहाँ ज़िंदगी गुजार रहा है। जी, इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। जदीद दौर डैश इजादात का दौर है। जी, साइंसी इजादात का दौर है। इसके बाद ज़मीन, पानी और हवा अल्लाह ताला की बड़ी दैश हैं। जी, ज़मीन, पानी और हवा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों का आलूदा पानी मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पानी को बुरी तरह डैश कर रहा है। जी, आलूदा कर रहा है। डैश तरक्की ने हमारे लिए नित नए मसाइल का इजाफा किया है। जी, कौन सी तरक्की ने हमारे लिए बहुत से मसाइल खड़े किए हैं। सनती तरक्की ने। डैश हमारे माहौल को खामोशी से दीमक की तरह चाट रही है। क्या चीज़ है। जी, आलूदगी। इसी तरह इसमें आपको और भी जो जो खास खास बातें लगती हैं, जैसे कि डैश आसाबी निसाम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, तो वो आ जाता है शोर। इसी तरह आलूदगियाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए डैश हैं। जी, आलूदगी या इंसानी सेहत के लिए मुजर हैं। इसके बाद आ जाता है सबक नंबर 16, मेहनत की बरकत। दुनिया में हर काम के लिए हरकत, ताकत और डैश की ज़रूरत होती है। जी हाँ, कुव्वत की। काम की अंजामदही डैश कहलाती है, मेहनत कहलाती है। इसमें इस सबक में किस गजवे का जिक्र है। जी, मस्जिद नबवी की तामीर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर पत्थर उठाए और गजवे खंदक के मौके पर खुद भी खंदक खोदने का काम सरंजाम दिया, यानी गजवे खंदक का जिक्र है। इसके साथ साथ और भी देखें कि डैश की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। जी, पाकिस्तान में शामिल कई ऐसी शख्सियात हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। इसके बाद बुजुर्गाने दीन ने कई कई साल डैश में सर्फ किए। जी हाँ, हुसूले इल्म में सर्फ किए। जिस इंसान ने डैश को अपना शार बनाया, उसी ने मकामो मर्तबा और अजमत पाई। जी, मेहनत को अपना शार बनाया। दुनिया में कामयाबी और कामरानी, इज्जत, नाम और डैश के लिए हमें सख्त मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए। जी, इज्जत, नाम और शोहरत के लिए। इसी तरह आखिर में आपके सामने सबक नंबर 19, इस्लामी ममालिक की तंजीम। इसमें से भी हमने कई
काफ़ी इसकी भी रिवीजन आप कर चुके हैं, जमात में भी मैंने दोबारा आपसे करवाई है, यहाँ पे भी आपने देख लेना एक दफ़ा फिर, जो बच्चे नहीं आ सके ये एब्सेंट थे। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक डैश से बंधी हुई है, जी हाँ एक कलमे से बंधी हुई है। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के डैश की अशद ज़रूरत महसूस की गई, जी हाँ इत्तेहाद की। दूसरा इजलास डैश में हुआ और बैतुल मक़दस को इस्लामी तंजीम का सदर दफ्तर बनाने का फैसला किया गया। दूसरा इजलास किस तारीख को हुआ, यहाँ आपने लिखना है, जी हाँ 1931 में। फिर इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को असरे नौ जब कायम किया गया तो उसमें कितनी शख्सियात थीं, जी उसमें इस्लामी ममालिक की 165 मुक्तदिर शख्सियात शामिल हुई थी। इसी तरह आगे देखते हैं, इसमें डैश में मराकश के शहर रबात में मराकश के शाह हुसैन की सदारत में इस्लामी ममालिक की तंजीम का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, यानी उसका पहला इजलास कब हुआ था जो मराकश में हुआ था, 1969 में, 1969 में, और उस इजलास में 24 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की थी। मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत कब हुई थी, जी हाँ अगस्त 1969 में, 1969 में ही हुई थी। इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकजी दफ्तर कहाँ है, जी हाँ सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। इसका झंडा किस रंग का है, जी हाँ इसका झंडा सब्ज रंग का है। इस्लामी ममालिक की तंजीम के पास वसाइल की कमी नहीं, अगर कमी और फुकदान है तो मुकम्मल डैश और डैश का, जी हाँ यकजहती और इत्तेहाद का। इसी तरह आपने इन तमाम असबाब को बगौर उनका जायजा लेना है और उन्हें एक दफा पढ़ना है। उसके बाद सबक नंबर 14 जो आपका है वो हमारा वतन है, जिसकी आपने अल्फाज मायने के साथ साथ उसकी तशरीह को बगौर देखना है, समझना है, और अपने लफ्ज़ों में आप तशरीह कर सकते हैं। आपने कभी भी इसको याद नहीं करना है, तशरीह हमेशा अपने अल्फाज में ही की जाती है तो बहुत आसान हो जाती है। और दूसरा इसके मरकजी ख्याल को भी आपने ध्यान से और तवज्जो से करना है। थैंक यू।